सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और पुराने नए हो तो लाइक कर देना। और गाइस, लाइक नहीं करते कैसे चलेगा? ऐसे मत करो, लाइक तो कर दिया करो। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैं इधर कहाँ पर जा रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, मैं जा रहा हूँ ट्रेन के पास, मतलब स्टेशन कल्याण जंक्शन पे, जो कि स्टेशन का नाम है कल्याण जंक्शन। तो मैं वहाँ आपको बताऊंगा कि ट्रेन को कैसे पलटें, मतलब कि ट्रेन को पटरी से कैसे हटाएं। तो चलिए वहीं चलते हैं, फिर आपको बताएंगे हम कैसे क्या करना है ट्रेन को पटरी से हटाने के लिए। और मैं इस वीडियो में ट्रेन को उड़ाकर भी दिखाऊंगा, फ्लाइंग ट्रेन बन जाएगी। तो देखते रहिएगा मिस्टर चौधरी गेमर। तो चलिए चलते हैं। तो आ गया हूँ मैं गाइस यहाँ पर। अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेन को पटरी से कैसे हटाएं। तो इस पर उतरते हैं। अब ये यहाँ पे ट्रेन खड़ी है और इस पर लगाने आपको इष्ट की बम। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कहाँ पर लगाने इष्ट की बम और कैसे लगाने इष्ट की बम और कहाँ पर मिलते हैं इष्ट की बम। तो देखिए, ये बंदूक आइकन बनना, उस पर टैप करना और फिर ये बम सा छपाएगा, उस पर क्लिक करना, सो आपके हाथ में आ जाएंगे ये। तो उनमें से यहाँ ये इसे नीचे लगा देना, जितने ला सको आप स्टीम उतने लगा देना, हजार, दो या तीन हजार, चार हजार, पाँच हजार, जितने ला सको उतने लगा देना। तो मैं लगा रहा हूँ इनको, तब तक लाइक नहीं की तो लाइक कर दो, चैनल पर न तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, मैंने स्टीम लगा दिए हैं, देखिए खूब सारे लगा दिए हैं। अब पता नहीं कितनी भी लगाए, मैंने गिनती नहीं की। तो अब इनको ब्लास्ट करना है आपको आरपीजी गन से, आरपीजी रॉकेट सी होती है, इससे तीसरे नंबर पर। इससे बड़ा ब्लास्ट करना है आपका, छोटे ब्लास्ट से कुछ नहीं होगा, बड़ा ब्लास्ट करना है। ओके, ये तो छोटा सा ब्लास्ट था, इससे कुछ नहीं हुआ, ट्रेन को कुछ भी नहीं हुआ। पहले वाले से थोड़ा बड़ा है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं हुआ। तो तीसरा देखते हैं, और इससे ये तो बेकार ही है बिल्कुल, तो ये भी बेकार है। अगला देखते हैं, इससे हुआ है बहुत कुछ, इससे ट्रेन नहीं है पटरी से, आप देख सकते हो, मैं पास जाकर दिखाता हूँ, देखना। फिर देखिए पटरी से हट चुकी है, आधी पटरी पर है, आधी ज़मीन पर है, बहुत से स्टीव हम अभी बचे हैं। और तो इन्हें फिर से ब्लास्ट करते हैं, आरपीजी से लेनी है, फिर बड़ा ब्लास्ट करना है आप। देखिए गाइस, ये कितना बड़ा ब्लास्ट हो चुका है, यहाँ बिल्कुल सूरज आसमान से पृथ्वी पर आ गया है सूरज। इस वाले ब्लास्ट से तो बिल्कुल ट्रेन पटरी से हटी गई है, बस थोड़ी सी रह गई है, उससे छोड़ा हुए इतनी बहुत है। अब मैं दिखाता हूँ, तो ये देखिए इस वाले ब्लास्ट से क्या हो चुका है, कि पहला डिब्बा तो बिल्कुल हवा में उठ गया है बिल्कुल, और पहिए तो पटरी पर हैं ही नहीं, हवा में हैं, और पीछे वाले पहिए तो ज़मीन पर हैं, पीछे कुछ नहीं हुआ, आगे से उठ गया है डिब्बा एकदम। और अब चलते हैं, इसे फ्लैंक ट्रेन बनाते हैं हम। ओके, तो चलिए। और आपको फ्लैंक ट्रेन बनाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा कि हाथ में लेना होगा आपको फ़ोन, और फिर गैलरी वाले नीचे ऑप्शन पर दबाना होगा, फिर इंजन को स्टार्ट करना है, और फिर दूसरे वाले फॉरवर्ड पर दबा देना, फिर ये ट्रेन चल देगी। और देखना, अब ये उड़ने लग जाएगी थोड़ी देर बाद, अब ये ज़मीन में जा रही है, ये गई, अब उड़ेगी देखना। और ये उड़ चुकी है, एक डिब्बा तो बिल्कुल फ्लैंक ट्रेन बन गया है, उड़ रहा है, अब तीनों डिब्बे उड़ रहे हैं, तो इंजन भी उड़ रहा है, देखिए पता नहीं क्या ही हो रहा है इसमें। तो
कैसे उड़ रहे हैं, लेकिन है सब पास पास चारों के चारों। देखिए, और उड़ते उड़ते हो गए ये गायब। देखिएगा, या अब आपको कहीं पे नहीं दिखेगी, और आप घर पे जाएंगे और फिर वापस आएंगे तो ये ट्रेन आपको नहीं मिलेगी। दोबारा दोबारा से चलाएंगे वो तब दिखेगी। और मैं अब आ गया हूँ घर पे, तो अब मैं मम्मी से पूछूंगा कि मम्मी मैं स्विमिंग पूल चला जाऊँ या नहीं। तो पूछते हैं, क्या कहेंगी मम्मी, मम्मी मम्मी मैं स्विमिंग पूल चला जाऊँ कि अपने दोस्त के साथ? यार गाइस, मम्मी ने तो मना कर दिया कि तुझे जाना हो चले जा, मत जाना मत यार। अब क्या करूं, अब पैसे तो है नहीं, और वहाँ स्विमिंग पूल वाला पैसे मांगेगा। पहले अपने दोस्त से पूछता हूँ, उनसे पैसे हो तो वही उसी के साथ चला जाऊँगा, वो मेरे पैसे दे देगा और अपने भी दे देगा। तो चलते हैं उस दोस्त के पास और फिर देखते हैं क्या कहेगा वो। तो भाई ये ना मेरा दोस्त पीछे खड़ा है, अब इससे पूछते हैं कि स्विमिंग पूल चलेगा कि नहीं। तो देखते हैं ये क्या बोलेगा। हाँ भाई, स्विमिंग पूल चलेगा, अभी बता चल रहा तो बता दे, नहीं तो मैं दूसरे से पूछता हूँ। हाँ भाई ठीक है, चलूंगा मैं भी। मैं भी बहुत दिनों से नहीं गया, मैं तेरे घर आने वाला था तो स्विमिंग पूल जाने के लिए, अब तू ही आ गया तो सही है। यार एक बात है, मैंने मम्मी से पूछा था कि मम्मी मैं स्विमिंग पूल चला जाऊँ, फिर कह रही थी मम्मी के तू चले या, लेकिन मेरे पे तो पैसे है नहीं, अब जा तू या फिर मत जा, अब बता। यार पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, मम्मी मुझे भी पैसे नहीं देती है। यार सबकी मम्मी है ना एक सी होती है, तेरी मम्मी मेरी मम्मी सबकी मम्मी एक सी होती है, सब ऐसी बोलती है पैसे लेंगे पैसे लेंगे, जब मांगो पैसे तो तभी मना करती है। तो हम चलेंगे फिर ऐसे ही, किसी देखेंगे किसी सस्ते वाले में फ्री वाले में नहाएंगे, उसी में मौज लेंगे अपना, यार चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल, अब वो तो पीछे पीछे आ रहा है, और ये देखिए मैं बैठा कैसे हूँ इस बाइक पे, बिल्कुल पीछे बिल्कुल कोने पे। अब पता नहीं कौन सा ग्लिच एक्टिवेट हो गया इसमें, देखो सीट पे तो है ही हुई ना मैं, और ना ही हूँ हैंडल पे आते हैं मेरे। अब ये कैसे चल रही है, इसे कौन सा क्लिच हो गया है एक्टिवेट। तो गाइस हम आ चुके हैं स्विमिंग पूल, सस्ता स्विमिंग पूल, फ्री स्विमिंग पूल, क्योंकि पैसे तो है थे ही नहीं हम दोनों के पास। तो हम आ गए इस वाले स्विमिंग पूल में, ये जो आपको दिख रहा होगा नदी जैसी, इसे कहते हैं सस्ता स्विमिंग पूल। अब इसमें नहाएंगे, मौज करेंगे, तैरेंगे, छलांग मारेंगे, देखिए क्या क्या करते हैं। और ये मैं नहा रहा हूँ, तैर रहा हूँ, मैं तैर रहा हूँ। इसमें तो पैसे वाले स्विमिंग पूल से ज़्यादा मज़े आ रहे हैं, इसमें तो अपनी मर्जी से जब तक नहाना है तब तक नहाओ, रात तक, सुबह तक, दोपहर तक। तो इसमें हम ले रहे हैं पूरी अच्छे से मौज, नाच नाच के, कूद कूद के, टांग ऊपर नीचे, तैर तैर के हम ले रहे हैं इसमें पूरे मज़े। और इतने मज़े तो हमें पैसे वाले में भी नहीं आते, ये फ्री वाला का तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अरे यार देख ले यार, बड़े मज़े आ रहे हैं, तैर तैर के नहा रहे हैं आज तक, इतने मज़े कभी लिए हमने, कभी नहीं लिए, पहली बार ले रहे हैं ऐसे मज़े। तो हम हमेशा इसी में आएंगे, अब इसी में आएंगे, अब उधर नहीं जाएंगे। अब बड़े आजा 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 आजा। तो गाइस आपको भी मेरा स्विमिंग पूल ये पसंद आया हो, थोड़ा सा ही पसंद आया हो, तो मेरे स्विमिंग पूल में जरूर आना, तैर तैर के नहाना और बिना पैसे के नहाना, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आप मेरी वीडियो देख लेते हो पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, मेरी जीभ लड़खड़ा रही है नाते नाते, मेरी जीभ हो गई टेढ़ी मेढ़ी नहाने के बाद, और मैं अब इसमें से निकलने वाला हूँ थोड़ी बहुत देर में, मैं थक गया हूँ नाते नाते। Thank you.
गाइस मैं सस्ते स्विमिंग पूल में से निकलने आया हूँ क्योंकि मेरा मन पूरी तरह से भर गया था कि अब छोड़ो, अब बहुत देर हो गई, बहुत देर ना लिया, तो इसमें आए फुल मज़े, फुल मस्ती की, आपने देखा ही होगा। तो अब यहाँ पे करते हैं, पहले चलते हैं घर पे। तो गाइस अब चलते हैं घर पे और मम्मी से कह देंगे कि मम्मी आपने पैसे नहीं दिए थे, मैं तो फिर भी स्विमिंग पूल में नहा के आया हूँ, लेकिन फ्री वाले स्विमिंग पूल में, सस्ते वाले स्विमिंग पूल में, जिसमें खूब मजे मस्ती, जाने क्या क्या किया मैंने। अब चलते हैं घर पे और फिर घर जाके मिलते हैं। तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं। अरे यार ये गाड़ी अभी भी जो मैंने देखा अपने कमाल दिखा के, देखो मुछाल दी गाड़ी, मेरा टैलेंट देख लिया आपने, बेहतरीन वाला टैलेंट था मेरा, बेहतरीन वाला, तो देख लिया ये है मेरा टैलेंट। अब मैं चलता हूँ घर, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, पूरी वीडियो देखा करो। तो ओके बाय बाय, टाटा, सी यू, अलविदा, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, धमाकेदार वाली वीडियो में। ओके बाय बाय, टाटा। तो मम्मी आपने तो मुझे पैसे देने से कर दिया इनकार, और फिर भी मैं देख लो नहा के आया स्विमिंग पूल में और फ्री वाले में, तो देख लिया। तो यहाँ पे होती है वीडियो खत्म। ओके बाय।